हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग में मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। और ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर। देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसी को हमें सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले अक्षर दिया है, फिर संख्या दिया है, अक्षर दिया है, संख्या दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन अक्षर को हम भी अंक में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अक्षर को अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ए हमारा 1 नंबर पर होता है, ठीक है। डी हमारा 4 नंबर पर होता है, और जी हमारा 7 नंबर पे होता है, जी हमारा 10 नंबर पे होता है, ई एम हमारा 13 नंबर पे होता है, और पी हमारा 16। किसमें, ए बी सी डी में, ठीक है। ए बी सी डी में 1 नंबर पे, 4 नंबर पे, 7 नंबर पे, 10, 13, 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करें, इनका क्या करें कि यहाँ पर 0 आ जाए, ठीक है। क्या देखिए दोस्तों, एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। अगर 4 में से एक माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ 15, ठीक है। तो यानी कि ये स्टेप नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे हम दूसरे स्टेप से सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है। 1 का वर्ग कर लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए दोस्तों, 1 का वर्ग करें या घन करें, कितनी भी घातें कर लें, उसका मान हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 में से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। हमने क्या किया, 1 का वर्ग कर लिया, उसमें से 1 माइनस कर लिया तो 0 आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ पर दिया है 4। अब 4 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16, और 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया 15, ठीक है। अब उसी प्रकार इसे करते हैं, देखिए 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 49 में से 1 माइनस कर देंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। आ गया 48। अब उसी प्रकार इसका करते हैं, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है, और 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो 99 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका भी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन खाली स्थान को हमें सॉल्व करना है। तो 13 का वर्ग करेंगे, ठीक है। 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा, 168। किस ऑप्शन में दिया, 168, ऑप्शन नंबर ए में दिया 168, और किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे नहीं सॉल्व करेंगे तो भी हमारा ऑप्शन ए ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, देखिए इसे भी सॉल्व करते हैं। पी हमारा 16 नंबर पड़ता है। अगर पी में हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी 16 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 256 आएगा। कितना आ जाएगा, 256, ठीक है। और 256 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 255। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या, पहले क्वेश्चन में 168 भरा जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 168 भरा जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 255 भरा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया है, इसमें भी हमें क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर हमारा ए पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, 1, 2, 3, 11, 7, 5, 120, 45 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, जब भी बड़ी संख्याएं नीचे दी हुई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, देखिए दोस्तों, 1 और 11 में ऐसा क्या करें कि 120 आ जाए, ठीक है। जो स्टेप इसमें अपनाएंगे वो स्टेप इन दोनों भी अपनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, 1 और 11 इसे जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो अगर हम 1 का वर्ग कर लें तो इसका मान क्या आएगा, 1। 1 का कितना भी वर्ग कर लें उसका मान हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। अब 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आएगा, ठीक है। इसे जोड़ेंगे तो 122 आ जाएगा, और इसे क्या करेंगे, 121 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 121 में से 1 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 120, ठीक है।
आगे हमारा है, अब इसी प्रकार इसे सॉल्व करते हैं। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 49 में से माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 45 आ गया। हमने क्या किया, 2 का वर्ग किए तो 4 आ गया और 7 का वर्ग किए तो 49 आ गया, 49 में से माइनस 4 कर दिए तो 45 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि 25 में से माइनस 9 करेंगे, अगर 25 में से माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 16 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमने क्या किया, 3 का वर्ग किया तो 9 आया और 5 का वर्ग किए तो 25 आया और 25 में से माइनस 9 कर दिए तो आ गया 16, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या करना है, इसमें भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है और लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर हमारा यहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों क्या दिया है, 4 3 2 9 5 4 1 10, 6 क्वेश्चन मार्क और 2 12। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क तो हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए दोस्तों इसे क्या करेंगे, इसे नीचे से ऊपर नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 आ जाए, इन तीनों में कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 3 आ जाए। ठीक है, इन तीनों में कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर 3 आ जाए, तो ये स्टेप अगर बिल्कुल सही होगा तो यही भी स्टेप हम सब में अपनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, इसे तो हमें सॉल्व करना है, इसे यहाँ पर लाना है। ठीक है, किसे छोड़ देंगे, 4 और 2 और 9 के बीच में क्या करें, देखिए दोस्तों 9 कर लेते हैं। ठीक है, और 9 में से क्या कर लेते हैं, 9 माइनस कर लेंगे। ठीक है, फिर 4 प्लस 2 आने की 9 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और 2 और 4 को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो 6 हो जाएगा, और 9 में से अगर 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, 9 में से माइनस 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया हमारा 3। हमने क्या किया कि 9 में से 6 घटा दिया, 9 में क्या किया, 4 और 2 को ऐड कर दिए तो 6 हो गया, और 6 को 9 में से माइनस कर दिया तो 3 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 और 1 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 1 को जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा, और 10 में से माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गया हमारा 4। हमने क्या किया, 10 में से माइनस 6 किया तो आ गया 4। 5 और 1 को जोड़ दिए, 6 आ गया, और 6 में से क्या किए, 10 में से 6 को माइनस कर दिया तो आ गया 4। ठीक है, अब उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, 12 दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, 6 और 2 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 भरा जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ दिया। ठीक है, तो 6 आया, और फिर लास्ट वाली संख्या कितनी थी, 9, 9 में से हमने 6 को माइनस कर दिया तो हमारी संख्या 3 आ गया। उसी प्रकार हम इसमें भी किए, 5 और 1 यानी कि पहली वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या को जोड़ दिए और चौथी संख्या वाली को उसमें से घटा दिए तो आ गया हमारा 4। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी किया, 6 और 2 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया, और 12 में से माइनस 8 कर दिए तो 4 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 4 भरा जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इसमें भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, अब की बार क्या ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से, नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर। ठीक है दोस्तों,
तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, इन तीनों में कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा क्या आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। अगर 6 आ जाएगा तो उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे कि 9 आ जाए, ठीक है, तो उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई एक संख्या आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10 दिया, यहाँ पर 30 दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 30 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 30 में हम 10 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और इस 3 को इसी में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आ गया हमारा 6, ठीक है। हमने क्या किया, 30 में 10 से भाग दे दिया तो 3 आया, और 3 में 3 को जोड़ दिए तो 6 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 35 में हम 7 से भाग देंगे, ठीक है। 35 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और 5 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, 7 में 35 से, सॉरी, 35 में 7 से भाग दिया तो 5 आ गया, ठीक है, और 5 में 4 जोड़ दिए तो 9 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 30 में 10 से भाग देंगे, ठीक है। तो अगर 30 में हम 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे भरा जाएगा 6। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किए हैं। क्या किए हैं कि 30 में 10 से भाग दिए 3 आ गया, 3 में 3 जोड़ दिए तो 6 आ गया, ठीक है। और क्या किए हैं कि 35 में 7 से भाग दिए तो 5 आ गया, 5 में 4 जोड़ दिया तो 9 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 30 में 10 से भाग दिए तो 3 आ गया, और 3 में 3 जोड़ दिए तो 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इसमें भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर हमारा यहीं पर दिया हुआ है, इसी को हमें सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है दोस्तों, 45, 90, 270, 1080, 39, 78, क्वेश्चन मार्क 936, 56, 112, 336, 1344, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया कि बड़ी संख्याएं जब भी नीचे दी हों तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 45 में क्या करें कि यहाँ पर 90 आ जाए। देखिए दोस्तों, 45 में हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं तो 90 आ जाएगा, ठीक है। 45 में 2 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। पहले वाली संख्या में 2 से गुना किए, दूसरे वाले में 3 से, और तीसरे वाले में 4 से, ठीक है दोस्तों। 2, 3, 4 क्रम वाइज गुणा करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले में 2 से गुणा किया तो 90 आ गया, फिर 3 से गुणा किया 270 आ गया, और 270 में हमने 4 से गुणा कर दिया तो 1080 आ गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये स्टेप तो इसमें लग गया, ठीक है। अब यही स्टेप इसमें लगाते हैं, पहले क्या करते हैं इसमें, तो हमारी संख्या आ जाएगी, तो ये स्टेप इसमें भी लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 56 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। 56 में 2 से गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है। और 112 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा। और 336 में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1344 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये स्टेप बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेप बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी ये स्टेप लगाते हैं, तो क्या कर लेंगे, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 39, 39 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। 39 में 2 से गुणा करेंगे तो 78 आ जाएगा, और 78 में हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 234, ठीक है। और 234 में हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 936 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 234, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 234 भरा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।